नमस्कार। कक्षा 9 का अध्याय 9, हम इसमें से एक प्रश्न को सिद्ध करेंगे। प्रश्न है, यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हों, जैसे कि यहां एक ही आधार है AB और समांतर रेखाएं हैं एक ये वाली BC और एक है AB, इन्हीं समांतर रेखाओं के बीच में एक बना है यह समांतर चतुर्भुज ABCD, ठीक है बच्चों, जिसे कि हमने हरे रंग से हरे पेन से अंकित किया है, यह समांतर चतुर्भुज है। और बच्चों इसी आधार पर एक त्रिभुज भी है जो इन्हीं समांतर रेखाओं के बीच में है, उस त्रिभुज का नाम है ABP। आप देख पा रहे हैं इन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच में एक यह चतुर्भुज है, दूसरा यह त्रिभुज है जो एक ही आधार AB पर बने हैं। बच्चों प्रश्न के अनुसार हमें यह सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यह जो त्रिभुज है ABP या PAB, इसका क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल से आधा होगा। हमें इसे सिद्ध करना है, तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि हम AB पर ही एक और समांतर चतुर्भुज बनाने का प्रयास करेंगे। ये हम स्केल लेते हैं और यह समांतर चतुर्भुज कैसे बनेगा, ये जो PA है इसी के समांतर हम एक रेखाखंड यहां बनाएंगे इस प्रकार से, और हम इसका नाम रख देते हैं Q। तो देखिए अब ये ए बी क्यू पी, ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया। कैसे, यह इसके समांतर है, पी ए के समांतर हमने क्यू बी बनाया है, तो यह एक समांतर चतुर्भुज बन गया। तो हम इसे कैसे लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे बी क्यू समांतर ए पी बनाओ, ताकि उससे क्या होगा ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त हो। ठीक है बच्चों, इससे हमें ए बी क्यू पी एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त हुआ। अब बच्चों हमने प्रमेय 9.1 में पढ़ा था, दो समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार पर दो समांतर चतुर्भुज यदि बने होंगे तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि यह जो समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी और जो एक हमने अभी बनाया ए बी क्यू पी, इनका क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। अतः प्रमेय 9.1 के अनुसार, प्रमेय 9.1 क्या है कि यदि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित दो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, अर्थात क्षेत्रफल एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा एरिया ऑफ ए बी क्यू पी, ए बी क्यू पी के। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे हम मान लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों आगे देखिए, यदि आप इस समांतर चतुर्भुज ए बी क्यू पी को ध्यान से देखें तो इसमें पी बी क्या है, पी बी है एक विकर्ण,
और हम जानते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है, और इसका अर्थ क्या है कि त्रिभुज PAB सर्वांग सम होगा त्रिभुज PQB के। बच्चों ये क्यों बराबर, क्यों सर्वांग सम है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है, विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ठीक है बच्चों, और बच्चों यदि त्रिभुज PAB सर्वांग सम है त्रिभुज PQB के, तो इनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे, क्योंकि सर्वांग सम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन दो, और बच्चों साथ की साथ ही PAB और PQB, PAB और PQB यह इस बड़े वाले समांतर चतुर्भुज ए बी क्यू पी के क्षेत्रफल के आधे होंगे, तो हम यहीं पर लिख देते हैं बराबर हाफ ऑफ ए बी क्यू पी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर दो। बच्चों क्या लिखा हमने, देखिए पी ए बी पी क्यू बी के सर्वांग सम है, क्योंकि एक विकर्ण एक समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, और यदि ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनका क्षेत्रफल बराबर होगा, और क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, यह ए बी क्यू पी इस समांतर चतुर्भुज के आधे के बराबर होगा, क्योंकि इसी चतुर्भुज को इन्होंने दो आधे आधे भागों में बांटा है। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए, यहां से हमारे पास आया है एरिया ऑफ पी ए बी, यह किसके बराबर आया है, हाफ ऑफ ए बी क्यू पी के, और ए बी क्यू पी किसके बराबर है, ए बी सी डी के। ठीक है बच्चों, देखिए पी ए बी हाफ ऑफ ए बी क्यू पी के बराबर है, यानी हाफ ऑफ ए बी क्यू पी, और ए बी क्यू पी ए बी सी डी के बराबर है, तो ए बी क्यू पी की जगह हम लिख सकते हैं ए बी सी डी, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, यह एरिया। तो बच्चों यही तो हमें सिद्ध करना था कि पी ए बी का एरिया ए बी सी डी के एरिया यानी क्षेत्रफल का आधा है, है ना बच्चों। तो हम लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ। बच्चों क्या सिद्ध हुआ कि यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि एक ही आधार ए बी और ए बी और समांतर रेखाओं ए बी और सी पी के बीच में स्थित यह समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, और यह त्रिभुज है पी ए बी, तो यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी बराबर है चतुर्भुज
ए बी सी डी के समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल के आधे के बराबर। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको यह अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।